दोस्तों नमस्कार, मैं पंडित सुभाष चंद्र मिश्रा। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ संकट चतुर्थी व्रत की पूर्ण जानकारी। मैं आप लोगों को बताऊँगा, संकट चतुर्थी व्रत गणपति जी का व्रत है। यह संकट चतुर्थी व्रत हिंदू धर्म का बहुत प्रसिद्ध त्यौहार माना गया है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार और शास्त्रों के अनुसार किसी भी शुभ कार्य करने से पहले गणपति जी की पूजा करते हैं। गणपति जी को सभी देवी देवताओं में प्रथम पूज्य माना गया है। गणपति जी बुद्धि के विधाता हैं। गणेश जी अपने भक्तों के सभी संकटों से रक्षा करते हैं, इसलिए गणपति जी को विघ्नहर्ता और संकट मोचन भी कहते हैं। वैसे तो हिंदू धर्म में सभी देवी देवताओं का उपवास व्रत पूजा नियम अलग अलग है, लेकिन सभी संकटों को हरने वाला संकट चतुर्थी व्रत गणेश जी का बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। संकट चतुर्थी का मतलब होता है संकट को हरने वाली चतुर्थी। संकटे संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है कठिन से कठिन समय में सभी समस्याओं से मुक्ति पाना। इस दिन अपने दुखों कष्टों से छुटकारा पाने के लिए गणपति जी की आराधना करते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस दिन गौरी पुत्र गणेश जी की पूजा करना बहुत ही फलदायी माना गया है। इस दिन लोग सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक उपवास रखते हैं, व्रत रखते हैं और पूरे विधि विधान से गणपति जी की पूजा करते हैं। दोस्तों इस दिन अपने जीवन की समर्पित सभी कठिनाइयों से छुटकारा पाने के लिए उपवास और पूजा करते हैं। इस व्रत और पूजा को संकट चौथ के नाम से जाना जाता है। अगर यह व्रत मंगलवार को आए तो इसे अंगारकी चतुर्थी भी कहते हैं। इस व्रत को करने से बड़े संकट दूर हो जाता है। शास्त्रों का मत है इस दिन भक्ति और श्रद्धा से गणपति जी का पूजा करने से गणपति जी की विशेष कृपा बरसती है। दोस्तों अब सब ध्यान से सुने, संकट चतुर्थी पूजा की विधि क्या है। इस दिन आप सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाएं और स्नान करके साफ धुले हुए वस्त्र धारण करें। इस दिन लाल या पीले रंग का वस्त्र धारण करना विशेष फलदायी माना गया है। ऐसा करने से व्रत सफल हो जाता है। स्नान के बाद गणपति जी की पूजा शुरू करें। पूजा करते समय पूजा करने वाले का मुख पूर्व दिशा में होना चाहिए। सबसे पहले सभी पूजा सामग्री को इकट्ठा कर लें और गणपति जी को स्नान करा करके वस्त्र तिलक फूल माला आदि से सजा लें और पूजा में तिल गुड़ लड्डू फल तांबे के कलश पानी धूप चंदन और प्रसाद के तौर पर केला और नारियल रखें। ध्यान से गणपति जी के पास देवी दुर्गा जी का या माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा या फोटो जरूर रखें। ऐसा करने से या अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो शिव परिवार रखें। ऐसा करना बहुत ही शुभ फल होता है। पूजा करके गणपति जी को तिल के लड्डू मोदक का भोग लगाएं और धूप दीप जला करके गणपति जी के सामने इस मंत्र का 11 माला जप करें। ध्यान से इस मंत्र को सुनें और 11 माला इस मंत्र का जप करें। ओम गं गणपतये नमः। इस मंत्र के 11 माला जप करने के बाद विराम दे करके शाम को भी गणपति जी की पूजा आरती कर चंद्रमा को जल दें और प्रसाद बांटें। इस प्रकार संकट चतुर्थी का व्रत करते हैं। दोस्तों संकट चतुर्थी का महत्व क्या है, इसकी जानकारी आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। दोस्तों संकट चतुर्थी व्रत को पूजा करने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। दोस्तों संकटी चतुर्थी व्रत कथा का आप ध्यान से सुने। संकटी चतुर्थी व्रत की जो कथा है वो आप ध्यान से सुने। एक बार माता पार्वती और भगवान शिव नदी के पास बैठे हुए थे, तभी अचानक माता पार्वती के मन में चौपड़ खेलने की इच्छा जाहिर की। लेकिन समस्या यह रहा कि उन दोनों के अलावा वहाँ पर तीसरा कोई नहीं था।
जो खेल में निर्णायक की भूमिका निभा सके। इस समस्या का समाधान निकालते हुए शिव और पार्वती ने मिलकर एक मिट्टी की मूर्ति बनाई और उसमें जान डाल दी। मिट्टी से बने बालक को यह आदेश दिया कि इस खेल को अच्छी तरह देखना और यह फैसला लेना कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। माता पार्वती बार बार विजयी हो रही थी, लेकिन एक बार बालक गलती से माता पार्वती को हरा हुआ घोषित कर दिया। माता पार्वती क्रोधित होकर के बालक को श्राप दे दिया और वह बालक लंगड़ा हो गया। बालक ने माता से बहुत क्षमा मांगी। बार बार निवेदन करने पर माता ने कहा कि अब श्राप वापस तो नहीं हो सकती, लेकिन एक उपाय है जिससे श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। माता ने कहा, संकट चतुर्थी व्रत विधि पूर्वक करने से इस संकट से छुटकारा मिल जाएगी। बालक ने वैसा ही किया जैसा माता पार्वती ने व्रत के बारे में बताया था। दोस्तों, उस बालक के आराधना से गणपति जी प्रसन्न हुए और आशीर्वाद दिया, तो इस व्रत के प्रभाव से उस बालक का कष्ट निवारण हुआ। कलयुग में जो भी व्यक्ति अपनी मनोकामना के अनुसार अपनी मनोकामना रखकर संकट चतुर्थी व्रत करेगा, उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। दोस्तों, संकट चौथ का व्रत लगते भादवे के महीने में कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि को मनाते हैं। इस साल सन 2022 में 15 अगस्त 2022 को संकट चतुर्थी व्रत होगा। चंद्रमा निकलने का समय रात्रि 9:34 पर होगा। 15 अगस्त को चंद्रमा का जो निकलने का समय होगा वो रात्रि में 9:34 पर होगा। चंद्रमा को जल देकर के व्रत खोलें। दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, कमेंट में ओम गंग गणपतये नमः जरूर लिखें, इससे गणपति जी की कृपा आपके परिवार पे, आपके ऊपर और सभी कष्टों से निवारण करेंगे। गणपति जी महाराज, ओम गंग गणपतये नमः।